हमारे शहर के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार मेरे अंकल गालिब पायदार हैं। जब आने वाले दिनों में वो असेंबली में दाखिल होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो हम सब के लिए बहुत मेहनत करेंगे। अजीज साहब, पहले तो आप इनके हमेशा खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर बात हमारे वतन की है तो बाकी सब बाद में। मैं अजीज पायदार अपने अंकल के लिए गवाह हूं। गालिब साहब की भी इज्जत करें जैसे आप मेरी करते हैं। जो भी वोट आप उन्हें देंगे वो अंताकिया को फिर से तुर्क जमीन बनाने का वोट होगा। अब चीजें बदल गई हैं, सुन रहे हैं मिस्टर पियर? ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आपके लिए मुश्किल होंगे। कुछ नहीं बदल रहा, ये तो आम बात है। अजीज पायदार हमेशा तमाशा करता रहता है और उसकी आदत है, पर ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। उम्मीदवार के पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो क्या करेंगे आप? मैं इनको इनके किए की सजा दूंगा। फ्रैंकोस, जो जरूरी है वो करो। जैसे आपका हुक्म सर। चलिए रास्ता दीजिए। आप आइए, हम अंदर चलते हैं। आइए आइए प्लीज, चलिए। हटिए, यहां से हटिए, हटो, पीछे हटो, रास्ता। गालिब साहब, तुम्हें क्या चाहिए फ्रैंकोस? आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन वजह क्या है? इनके खिलाफ शिकायत है। जो इलेक्शन की निगरानी करेंगे उन लोगों की जिंदगी आपने खतरे में डाली। ये झूठ है। इस बारे में आप सर से बात करेंगे। लेके चलो इन्हें। एक मिनट रुको, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। अजीज पायदार, इस मामले से दूर रहो वरना तुम भी अरेस्ट हो सकते हो। सब के सब पीछे हटो। अंकल फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अजीज पायदार, इन लोगों से कहो ये पीछे हटे वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। हटो पीछे हटो। बहुत जल्द तुम सब ये देखोगे कि मेरे अंकल बेकसूर हैं, उन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी पुरसुकून हो जाओ। तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। गालिब साहब को हम कैसे ही जाने दें? अजीज साहब, आप सबकी भलाई के लिए अभी ले जाने देंगे। मिस्टर पियर, आप क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे खुलकर बताएंगे? अभी पता चल जाएगा सब कुछ आपको। मिस्टर हेनरी ने बताया है कि मिस्टर गालिब ने उन्हें अगवा किया था, है ना हेनरी? उस तरह नहीं। कैसे नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि गालिब ने हमें किडनैप किया है। हाँ, उन्होंने हमें किसी से किडनैप करवाया है। जो नहीं चाहता कि गालिब साहब कैंडिडेट बने वो ये कह सकता है। फिर हम उस शख्स को ढूंढ लेंगे। थॉमस की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, अगर वो जिंदा है। जिंदा है, वो यकीनन जिंदा होगा। मिस्टर पियर, अगर आप इसी तरह कानून के खिलाफ चलें तो इसमें हम सब फंस सकते हैं। आप हंगरी में किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने एक कॉन्सुलेट के तौर पर काम किया है, तो मैं आपकी इस काम में कोई खास मदद नहीं कर सकता। तो मुझे इजाजत दें इस जगह के फैसले करने की। वक्त बताएगा, लेकिन
मुझे यकीन नहीं, जब दिलरुबा ठीक हो जाएगी तो वो मुश्किल पैदा कर देगी मकसूदे। शायद आजम कोई तरीका ढूंढ ले उसे तसल्ली देने का, कितना खुश हो गया था वो। अगर आजम कोई तरीका ढूंढ भी ले तो क्या दिलरुबा तसल्ली से मुतमईन होगी? असल मसला ये है। बुरा नहीं सोचिए, अच्छे की उम्मीद रखें, सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। आजम, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, ठीक है? किसी चीज की जरूरत नहीं, शुक्रिया। कुछ भी चाहिए हो जरूर बताना। तुमने आज मेरी जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आजम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने मेरी बीवी और मेरे बच्चे से मुझे नवाज दिया। अल्लाह ने जान बचाई है आजम, तुम्हारी मदद से हुआ है ये। आजम। हाँ बोलो। दिलरुबा की हालत कैसे हुई थी? मैं कुएं में गिर गया था, अंधेरे ने मुझे घेरा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। मैंने वो काम किया है जो शर्मिंदगी का बाइज है। मैं अंधा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुली हैं, मैं अब सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। क्या आप सच में बदल गए हैं? अब मैं पुराना आजम नहीं हूं, मैंने एक नई जिंदगी पाई है। आह, इफ़नान, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ ठीक हूँ, फिक्र नहीं कीजिए। आओ यहाँ बैठो। लड़की, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनवा देती हूँ, तुम भूखी होगी। असलान, इफ़नान के लिए खाने को कुछ बनाओ बेटा। जी, मैं लाता हूँ। मकसूदे बाजी, मकसूदे बाजी। अलीश, खुदा करे कोई अच्छी खबर हो। अलीश, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कब, कहाँ? अलीश, यहाँ से थोड़ा दूर, अभी अभी। अजीज भाई ने कहा था कि गालिब भाई इसमें नए हैं। क्या अजीज ने गालिब को असेंबली कैंडिडेट अनाउंस किया है? मुझे लगा वो खुद इलेक्शन लड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि हर वोट सिर्फ गालिब भाई के लिए होगा। अजीज कहाँ है? उन्होंने अजीज को तो कुछ नहीं किया ना? अजीज भाई ने उनसे मदद भी मांगी, पर क्या कुछ पता चला उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है? बहुत शोर था, नहीं सुन पाया। हमारे खुश होने से पहले ही हमारी खुशी को खत्म कर देता है। आखिर अजीज ने ऐसा क्यों किया? तुम लोग यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है। आजम, ख्याल रखना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैं जाकर अजीज को देख कर आती हूं। इफ़नान, ख्याल रखना बेटा। इफ़नान, तुम रुक जाओ, तुम ठीक नहीं हो। हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं कीजिए। या अल्लाह, यहाँ क्या तुम डर गए थे? फ्रैंकोस, फ्रैंकोस, जी मिस्टर खालिद। क्या हो रहा है, ये कैसी हरकत है? आपको यहाँ पर मिस्टर पियर के हुक्म से लाया गया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पियर से बात करो और इस मसले को फौरन हल करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, माफ कीजिए। मैं इलेक्शन कमिश्नर को क्यों तकलीफ पहुँचाऊंगा? बाहर निकालो मुझे अभी यहाँ से। माफ कीजिए मिस्टर खालिद। फ्रैंकोस, फ्रैंकोस, अजीज, आप ठीक हैं? क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अजीज, क्या हुआ है? उन्होंने मेरे बाबा को क्यों गिरफ्तार किया है? ये उस पेयर का खेल है। मैंने अपनी जगह अंकल को असेंबली का उम्मीदवार बनाया था, उसने इलेक्शन खराब करने का इल्जाम लगाया, लेकिन हम उन्हें जल्द बाहर निकाल लेंगे, फिक्र मत करो। क्या वो अभी जेल में है? हाँ,
मैं जाकर पेयर से बात करता हूँ, उसे ठीक करता हूँ। आजम रुको, अभी नहीं, मामला भी गर्म है। शायद पेयर हमसे गलती की उम्मीद कर रहा हो और हमें मुश्किल में डालना चाहता हो। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना पड़ेगा, कहीं वो ये ना सोचे कि वो अकेले हैं। तुम भी चल रहे हो? तुम अभी जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन कब? जब मामला ठंडा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसे हैं। अजीज, अब क्या होगा? हाँ, मिस्टर गालिब को गिरफ्तार कर लिया है। इंतजार करेंगे और देखेंगे। इंतखाबात में अब आप खड़े होंगे? नहीं अजीज, लेकिन क्यों? पाशा आपको देखना चाहते हैं, आप ये बात जानते हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत की है आपने। कुछ चीजें बदल गई हैं इफ़नान, बेहतर है कि मेरे अंकल उम्मीदवार बने। तुम्हें क्या हो गया, इतनी ढल क्यों लग रही हो? मैंने खून दिया है दिलरुबा को। दिलरुबा कैसी है, क्या वो उठ गई? मैं जब घर से निकली तब तक भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा और दिलरुबा दोनों ठीक है। तुम सबके लिए बहुत अच्छी हो। चलो आओ अंदर चलें। चलें चलते हैं। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं मिस दिलरुबा? आप प्लीज मत उठिए, आराम कीजिए आप। मुझे क्या हुआ था? आप बुरी तरह गिर गई थी। मेरा बच्चा? फिक्र मत करिए, डॉक्टर ने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, बस आपको आराम का कहा है। क्या हम अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं मकसूदे? तू हमसे कैसा इम्तिहान ले रहा है खुदा? पुरसुकून हो जाए आंटी, पुरसुकून। मकसूदे, चलो चलते हैं तुम्हारे बाबा से मिलने, तुम्हारा भाई भी वहाँ बहुत अकेला होगा। मैं केनान के साथ जाऊंगी, आजम के आने तक हमें यहीं रहना होगा। अगर हम सब चले गए तो दिलरुबा अकेली हो जाएगी। मैं दिलरुबा को तो भूल ही गई, मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं दिलरुबा का ख्याल रख लूंगी। फिक्र मत करे। दिलरुबा बाजी उड़ गई, नर्स ने बताया है। आए, शुक्र है खुदा का, कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं। चलो चलते हैं देखने। ठीक है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो आओ चलते हैं। आ जाओ। दिलरुबा, दिलरुबा बेटी, तुम ठीक हो? दिलरुबा, तुम्हारा बच्चा महफूज है, खुदा ने पोते से नवाजा है। डॉक्टर ने कहा है अब तुम ठीक हो। शुक्र है कि इफ़नान ने तुम्हें खून दिया। इफ़नान ने? हाँ, इफ़नान ने, सिर्फ उसी का खून मिला। खुदा का बहुत एहसान है। दिलरुबा, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन हम भी तुमसे बहुत नाराज हैं। फिर भी हम एक ही छत के नीचे हैं बेटी, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे पास अमानत हो। दिलरुबा, तुम गुस्सा हो या नाराज हो, कुछ भी कर सकती हो, तुम ठीक होने तक हमारी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस मुझे बताना मेरी बेटी। बता दूंगी। ऐसे ही रहो, शाबाश। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा होगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, नर्स यही मौजूद है।
बाबा क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं पता आजम, कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर की जिंदगी को खतरे में डाला है। वो कैसे? पीयर का नया खेल। तो आप असेंबली के कैंडिडेट बनेंगे? मैं नहीं कर सका। जैसे ही मैंने ये ऐलान किया, पीयर के लोग मुझे लेने आ गए और नतीजा ये। मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगा, आप यहां एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। रिलैक्स हो जाओ, कुछ मत करना तुम। पीयर को तो जानते हो तुम, एक बार जो तय कर लेता है वो पूरा करने की कोशिश करता है। अगर हम दोनों खतरे में पड़ गए तो ये बहुत गलत होगा। घर वापस जाओ, हमारी फैमिली को वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है। दिलरुबा को अकेले मत छोड़ना, ठीक है बेटा? किनान, क्या हुआ मकसूद है? बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, कैसे और कब किया? थोड़ी देर पहले अजीज ने यह ऐलान किया कि मेरे बाबा नए उम्मीदवार होंगे। क्या वाकई ये सब अजीज ने कहा है? हाँ, अजीज ने अपनी जगह पर उन्हें उम्मीदवार बनाया। किनान, आप पियर से बात करें, बाबा को वहाँ से निकालना है। ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। लेकिन तुम्हें पियर का तो पता है ना? किनान, मेरे बाबा हार्ट पेशेंट है, मुझे फिक्र हो रही है अगर उन्हें कुछ हो गया तो। आह अजीज, परेशान मत हो, देखो मैं पियर से बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। आखिर ये इंसान हमसे चाहता क्या है? छोड़ क्यों नहीं देता हमें अकेला? उसका मसला सिर्फ हमसे नहीं है, वो हमें इस्तेमाल करके तुर्क पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं उसका खेल बिगाड़ दूंगा। अजीज, दरवाजा खुला है, यहीं रुको, मैं देखता हूं। अजीज ध्यान से, लौनत हो तुम पे। अजीज, क्या हुआ है? पेयर ने घर की तलाशी ली है, बेगैरत इंसान। अजीज, पुरसुकून हो जाइए प्लीज, मुझे उसे सबक सिखाना है इफ्लान। अजीज, फिक्र मत करो। नहीं, आप मत जाइए, पीछे मत आना, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखे, ठीक है? अजीज, जाओ। दिलरुबा, क्यों आए हो तुम यहां? बात करनी है। अब कैसी तबीयत है? अफसोस के साथ बच गई हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। आजम, मुझे उस बारे में अब दोबारा तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा? यकीन? आजम, तुमने मुझसे बहुत बार माफी मांगी है और हर बार मैं तुम्हें पागलों की तरह माफ करती आई हूं। सही कह रही हो, इस बार मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। जो तुमने बर्दाश्त किया है उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता।
मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी। दिलरुबा, जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे, और अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम मुझे माफ कर दोगी तो बताओ प्लीज, मैं वो ही करूंगा। अगर तुम माफ नहीं करोगी मुझे वो भी कबूल है। मैंने देखा था तुम गिरते वक्त मुझे देख रही थी और मुझसे डर लग रहा था तुम्हें। तुम्हारी आंखों में उस खौफ के साथ नहीं जीना चाहता। मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं कह रहा, मैं हकीकत में समझ गया हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, चोट भी पहुंचाई। तुम मेरे बच्चे के साथ हो और मैं बच्चे के काबिल एक बाप बनूंगा, लेकिन जो भी तुम चाहती हो मेरे साथ या मेरे बगैर, मुझे मालूम है मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक अच्छा बाप बनूंगा। मैं अपने बच्चे के पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहूंगा। बस यही कहना चाहता था मैं। जाओ। आ, मिस्टर केनान, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। कल एक मेहमान आ रहे हैं, तो उनको घुमाने की जिम्मेदारी आपकी है। उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बिल्कुल मिस्टर पियर, दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए यहां आया हूं। जी बोले, मैं सुन रहा हूं। बेहतर होगा कि हम लोग अकेले में बात कर लें। असल में ये अभी मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, गालिब साहब की हालत के बारे में। गालिब साहब को क्या हुआ है? आपका तो तारुफ ही नहीं करवाया। केनान साहब गालिब साहब के दामाद हैं और दूसरे डेलीगेट कैंडिडेट भी। बहुत खुशी की बात है। दो कैंडिडेट्स एक ही फैमिली, किसी को बताना नहीं। बिल्कुल, ये दोनों एक सेब की तरह हैं। हाँ, लेकिन एक साइड पर कीड़ा है। हाँ खैर, मिस्टर केनान आप आगे बोलें, मैं सुन रहा हूं। मुझे जानना है कि गालिब साहब को क्यों गिरफ्तार किया। ओह जी बिल्कुल, मिस्टर गालिब, उनको एक शिकायत की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है। वो इलेक्शन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पर गालिब साहब ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, गालिब साहब ऐसा क्यों करेंगे, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि गालिब साहब ऐसा क्यों करेंगे। मुझे नहीं पता, आप दोनों एक ही घर में रहते हो, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ मिस्टर केनान, गालिब साहब ने ऐसा क्यों किया? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे ससुर भी तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, ये बात मैं खुद उनसे पूछूंगा। मिस्टर केनान। बिल्कुल मिस्टर पे, उनकी फैमिली गालिब साहब की सेहत के लिए परेशान है। मैं आपको बताता हूँ, मिस्टर गालिब मेरे मेहमान हैं और मैं हमेशा मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आता हूँ, आपकी मदद के साथ। अब मेरे मेहमान काफ़ी थके हुए हैं और बेचैन हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है, प्लीज़ उनकी हेल्प करें। आइए। मिस्टर केनान, इस बार ज़रा महफूज जगह हो प्लीज़। ठीक है मिस्टर पे। शुक्रिया। आइए। क्या मतलब है इस सबका?
अगर तुम मिस्टर गालिब के बारे में बात करने आए हो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपने लोग भेजकर मेरे घर की तलाशी लेने का क्या मतलब है? जी हाँ, आपके घर में तलाशी हुई है मिस्टर अजीज, इसमें क्या गलत है? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं मिस्टर पियर। मिस्टर अजीज गालिब साहब का भतीजा है। आप बहुत किस्मत वाले हैं मिस्टर मिलान, इतने कम वक्त में पायदार फैमिली के सभी घर वालों से मिलने का मौका मिला है। तुम मेरे घर में क्यों घुसे, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आपकी इजाजत के साथ मैं इस शहर को संभाल रहा हूँ मिस्टर अजीज। तुमने या तुम्हारे लोगों ने अगर दोबारा अपने गंदे जूतों के साथ मेरे घर में एक कदम भी रखा, मैं वादा करता हूँ कि उनको गंदे जूतों के लिए खास तौर पे सजा दूंगा। मिस्टर केनान, मैं यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम को देखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। प्लीज आइए। क्या हुआ अजीज? उम्मीद है पियर को कुछ नहीं किया होगा तुमने। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने इस बार हद पार कर दी। गालिब साहब के बारे में क्या कह रहा था? इस बारे में बात नहीं की। जब हम अंकल के साथ थे तो वो मेरे फार्म पर गया और मेरे घर की तलाशी ली। वो क्या ढूंढ रहा था? हमें इस जगह से निकालने का तरीका ढूंढने, हम सबको, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गालिब साहब के हवाले से क्या करने वाले हैं? वो मेरे अंकल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं खेलने दूंगा। जो उसे चाहिए जब तक हासिल नहीं कर लेता, तुम्हारे अंकल को नहीं छोड़ेगा वो। हालात हमारी तरफ मुड़ जाएं तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसा कैसे होगा? मैं लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा। सिर्फ मेरे अंकल ही कैद में नहीं है, उनका मुस्तकबिल भी कैद है। मैं उन्हें ये बताऊंगा। इफ़नान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सफाई कर दी है। क्या हुआ? कोई घर में घुस गया था। क्या? आखिर कौन घुसा था? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जमील भाई, आप छोड़ें, कोई और बात कीजिए। अजीमे कहाँ है? उसकी माँ की बहन की बेटी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, वहाँ गई है वो। शायद हो सकता है कल शाम तक वो आ जाए। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। हाँ सही कहा, लंबी उम्र दे। वैसे उनके खानदान में एक बंदे की उम्र कम से कम 100 साल होती है। तुम फिक्र मत करो, अजीज साहब जल्दी घर आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ठीक है। मिस्टर गालिब, इस बार तुमने हद पार कर दी है मिस्टर पियर। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया है। यहां तुम अपने किए हुए कामों की कीमत अदा कर रहे हो मिस्टर गालिब। तुम्हें भी पता है मैंने वो जुर्म नहीं किया जिसका तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी पायदार ने किया है, और मुझे पूरा शक है ये काम किसने किया है। ऐसा क्यों करेगा अजीज? इलेक्शन को टालने के लिए, तुम्हें कैंडिडेट बनाने से ये बात साबित होती है, लेकिन उसे पता है कि तुम अच्छे उम्मीदवार नहीं हो, इसीलिए तुमको लोगों के बीच मशहूर करना चाहता है। इसके लिए वक्त बचाने की कोशिश की और गलती कर दी, और अब तुम यहाँ हो।
तुम मुझे अजीज की गलती की सजा दे रहे हो। ये नाइंसाफी है। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। जो हकीकतों का सामना नहीं करते वो हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है मिस्टर गालिब। तुम मुझे यहाँ रखकर उस शख्स को नहीं ढूंढ सकते जिसको ढूंढ रहे हो। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है कि कौन अगवा हुआ था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे पीछे हट जाऊं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मेरे फायदे के लिए है। तुम क्या चाहते हो पियर? मैं जानता हूं कि अजीज पायदार ने पोस्ट ऑफिस की गाड़ी को लूटा है। उसमें जो कागजात थे वो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। वो कागजात ढूंढने में अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा मिस्टर गालिब। कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या हुआ है अजीज, मुझे जवाब दो। अगर जवाब चाहते हो तो पहले इस गन को नीचे रखो। मुझे जवाब चाहिए। लगता है तुम हमारी बात भूल गए हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं याद कि मैंने मिलान नामी किसी शख्स से बात की थी। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मैं अपना तारुफ करवा चुका हूँ, झूठ नहीं बोला था मैंने। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं टर्किश फैमिली में पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बेरहम इंसान नहीं हूँ। जब हालात इतने बुरे हो गए थे तो मैंने अंकारा जाने का फैसला किया। तुम पे यकीन क्यों करूं? अपने अंकल से पूछ लो। तुमने बताया नहीं कि तुम अंकल को जानते? नहीं जानता और वो भी नहीं जानते, लेकिन मेरी तरह ऐसे हजारों लोग हैं यहाँ जो टर्किश से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो अंकारा वालों से पूछ सकते हो तुम। हमने अंकल को आगे बढ़ाया था कि लोगों को अपने साथ मिला। हाँ, ये प्लान का पहला हिस्सा था, सही। दूसरा? पेयर के ऊपर प्रेशर डालने का। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम लीग ऑफ नेशन को देकर पेयर को खेल से बाहर कर सकते हैं। लीग ऑफ नेशन के काम भी कुछ सही नहीं हो रहे अजीज। अगर हमने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो क्या पता वो ध्यान ना दें। अजीज हमें पेयर की गलती का इंतजार करना होगा। समझ गया, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि तुम कोई गलती ना करो। अगर आज मैं वहां ना होता तो यकीनन प्यार जीत जाता। तुम उसके जाल से बचने की कोशिश करो अजीज। मैं वो नहीं करूंगा जो हमारे मकसद के मुताबिक ना हो। बताओ आखिर तुम मुझे यहाँ कब तक रखने वाले हो? कब खत्म होगा ये सब? आराम से क्या कर रहे हो? नहीं करो। Thank you.
लड़की, रात के इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजीज का इंतजार कर रही थी। घर की ऐसी हालत देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए थे और फौरन घर से चले गए थे। हाँ लड़की, पता है, जमील ने बताया था घर में कोई घुसा था। कौन घुसा था घर में? और कौन घुस सकता है घर में? वो पियर ही है जो बार बार आ जाता है। अई शैतान, शैतान! वो जरूर अजीज साहब के पीछे गए होंगे, पियर को सजा दिलवाएंगे। बहुत वक्त हो गया है उनको यहाँ से गए हुए, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो अब क्या तुम उसके पीछे जाओगी? उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरे पीछे नहीं आना, जबरदस्ती तो उनके पीछे नहीं जा सकती थी ना। मेरे साथ यही तो एक मसला है, खत्म ही नहीं होते ये मसले, खत्म ही नहीं होते। उफ, मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ इस वक्त तुम्हारी फिक्र हो रही है। शादी के बाद एक दफा भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। तुम्हारी तकलीफें ही इतनी हैं कि तुम हर वक्त रोती रहती हो। उफ, मैं क्या करूं? मुझे एक बात बताओगी क्या, अजीज और तुम्हारे दरमियान कोई और मसला है? नहीं नहीं, कोई भी मसला नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो तुम, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझी? आपा, ये कैसी बातें कर रही है? तो फिर तुम मुझसे इस तरह बातें क्यों छुपा रही हो आखिर? बताओ मुझे, कोई तो बात है। अजीज के साथ जरूर कोई मसला चल रहा है, वो मुझे नहीं बता रहे। क्या बोलूं मैं? पूछो, क्या मसला है? आपा, वो तभी बताएंगे ना जब वो बताना चाहते हैं, और वो कोई भी चीज मुझसे बिल्कुल नहीं छुपाते हैं। वो कुछ ना कुछ जानता है। अब तो तुमको सबर ही करना होगा, उस वक्त तक सबर करो जब तक वो खुद ना बता दे। चलो चलो, खड़ी हो जाओ, चलो आ जाओ, चलो बेटी जल्दी करो, चलो। ओहो, डरो मत, खुश रहा करो। कौन है वहां?